हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का दूसरा लेक्चर ले रहा हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल बताना है, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो चलो पहला जो एग्जांपल हम लेते हैं, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बाबू कहीं कहीं पे यहाँ पे टी रेशियो भी दे देता है, तो चलो बाबू इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 1/3, यहाँ लिखा था पहले से, उसे हमने पुट कर दिया। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पी अपॉन एच। तो हम लोग इसको 1/3 इज इक्वल टू पी अपॉन एच भी लिख सकते हैं। अब बाबू देखो कॉम्पेरिजन करेंगे तो पी इज इक्वल टू 1, एच इज इक्वल टू 3, लेकिन हम P इज इक्वल टू 1 नहीं लिख के 1x लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बाबू, सोचो कहीं ये 1/3 जो लिखा गया है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया होता, ये 2/6 होता, तो इसको कटा करके हम लोग 1/3 लिख सकते थे। तो अगर मान लो 1/3 लिखा है, इसका मतलब कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन 2 से ऊपर नीचे गुना करने के ये पार्ट आता, यानी कि P मेरा 1/2 होता और H मेरा 3/2 होता। यानी कि यदि हम लोग ये 2 ना मान करके कंसीडर करते x, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि 2/6 ही है, हो सकता था ये 3/9 होता, हो सकता था 4/12 होता, तो किस चीज से गुणा करने पे ओरिजिनल रेशियो है ये पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं x। यहाँ तो मैंने एग्जांपल देने के लिए 2 से गुणा किया था। तो पहला p हो जाएगा मेरा 1/x, h हो जाएगा 3/x। अब देखो बाबू, जब p हमें पता है, h पता है, तो हमें b निकालना होता है। तो बाबू पाइथागोरस के थ्योरम से हमें पता है ऑलरेडी पहले से ही कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसी से हम लोग सारा फॉर्मूला निकालते हैं। यदि हम लोगों को b का फॉर्मूला निकालना है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कह सकते हैं। अगर b इज इक्वल टू दे दिया तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो b इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट हो जाएगा। मैंने यही फॉर्मूला को यहाँ पुट करा है। अब देखो बाबू, जब b इज इक्वल टू रूट अंडर h माइनस p स्क्वायर होता है पाइथागोरस के थ्योरम से, तो h की जगह पे हमने 3x पुट करना है, स्क्वायर था तो स्क्वायर, p की जगह पे 1x पुट करना है, स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब 3×3=9 और x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अब घटा देंगे, 9x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर में x का रूट निकालेंगे, x स्क्वायर का रूट तो x आएगा, जबकि 8 का रूट निकालेंगे तो 2√2 आएगा। कैसे आता है बाबू जरा देखो, तो 8 को अगर हम लोग तोड़े तो 2×2×2 होता है, इसका रूट मतलब इसका भी रूट, 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर 1 को 2 अंदर बच जाता है, उसको लिख दिया हमने तो 2√2x आ गया। अब यहां से हमें फॉर्मूले से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है बाबू। तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालना है तो कॉस ए निकाल लेंगे, तो कॉस ए का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच मतलब बी हमने यहाँ निकाला था 2√2x लिख डाला, एच ऑलरेडी यहाँ से हमने 3x माना था तो 3x, x से x कट गया, 2√2/3 आ गया। दूसरा टेन ए बराबर पी बाई बी होता है बाबू, टेन ए बराबर कितना होता है पी अपॉन बी, तो पी की जगह पे 1x पुट कर दिया जहां जैसा कि हमने यहां लिया था, और b के जगह पे 2√2x यहाँ आया था तो 2√2x हमने पुट कर दिया, x x खत्म हो गया, देखो यहाँ x x खत्म, 1/2√2 आ गया। cos a के उसी तरह h अपॉन p, तो h की जगह पे 3x, p की जगह पे 1x, x से x कट गया तो 3 आ गया, नीचे 1 है कोई वैल्यू नहीं। sec a उसी तरह h अपॉन b, तो 3x/2√2x यानी कि 3/2√2 क्योंकि x x कट गया। सिमिलरली cot a भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का आता है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, इफ 16 cot a इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a बाय sin a माइनस cos a। बाबू देखो इसको हम लोग पहले तरीके से भी बना सकते थे, जैसे इसके पहले वाला एग्जाम्पल को हमने बनाया था, कैसे बना सकते थे, यहां जो दिया है गिवन में लिख दिया हमने। अब देखो बाबू 16 को बराबर की उधर भेजेंगे तो यहाँ cot a इज इक्वल टू 12 और 16 आ गया है नीचे, तो cot a इज इक्वल टू 12/16 हो गया। अब देखो बाबू यहाँ हम लोग इसको चाहते तो b अपॉन p, cot a इज इक्वल टू b अपॉन p मान लेते, तो b और p की वैल्यू आ जाती
एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें साइन ए कॉस ए निकाल करके वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाता। लेकिन चलो इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे ताकि दूसरा तरीका भी आपको पता चले। तो कॉट ए इज इक्वल टू 12/16 आ गया। अब यहीं पे छोड़ दिए हमने, यहां पे पूरा का पूरा जो टर्म दिया था इसको यहां पे हमने लिख लिया। अब हम सोचेंगे कि इसे कॉट के फॉर्म में चेंज कर दे। तो बाबू देखो, अगर यहां पे हम लोग साइन से भागा दे देते हैं सभी में तो कोई अंतर नहीं होगा। तो यहां हमने साइन ए में भागा दिया साइन ए से, प्लस तो प्लस, कॉस ए में फिर भागा दिया साइन ए से, फिर साइन ए में भागा दिया साइन ए से, माइनस तो माइनस, फिर कॉस ए में भागा दिया साइन ए से। अब देखो बाबू, साइन ए खत्म हो जाएगा, बचेगा वन, तो वन प्लस कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए होता है। कैसे होता है मैं अभी बताता हूं। साइन ए कट गया वन, तो वन, माइनस था तो माइनस, कॉस ए बाई साइन ए यानी कि कॉट ए। बाबू कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए कैसे होता है जरा देखो। तो यहां कॉस ए बाई साइन ए पहले लिखो, कॉस ए का फॉर्मूला बी बाई एच, साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच, इसको हमने बी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी कह देना है, एच से एच खत्म, आ जाएगा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी का फॉर्मूला होता है कॉट ए। तो यही से हम कॉट ए पुट कर सकते हैं बाबू, कॉस ए बाई साइन ए बराबर कॉट ए। तो हमने यहाँ पे क्या करना था, वन तो वन, प्लस तो प्लस, कॉस ए अपॉन साइन ए को हमने कर देना है कॉट ए, फिर यहाँ वन तो वन, माइनस तो माइनस, कॉट ए अपॉन साइन ए को कॉट ए कर देना है। अब बाबू वन की जगह पे वन, प्लस की जगह प्लस, कॉट ए की वैल्यू यहाँ पे हमको 12/16 आई थी, पुट कर देनी है। कॉट ए की वैल्यू यहाँ पे 12/16 पुट कर देनी है। बटा पर का जोड़ घटाव है, नीचे कुछ नहीं वन माना, बटापर का जोड़ घटाव किया तो 16 प्लस 12 अपॉन 16 आ जाएगा। सिमिलरली 16 माइनस 12 अपॉन 16 आ जाएगा, 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28, क्या करेंगे 28, और 16 नीचे था तो 16। अब यहां पे इसको उलट देंगे, 16 ऊपर में और 16 माइनस 12 बराबर 4, 16 से 16 कटा, 4 से 28 कटा 7, तो यहाँ 7 आंसर आ गया। ये मैंने आपको करके समझाया है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल खत्म हो जाता है। एग्जांपल हमारा है इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा बराबर 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। बाबू ऐसा क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत कठिनाई होगी, ऐसे क्वेश्चन को कभी बनाते हैं तो देखते हैं यहाँ पावर 1 में है, यहाँ पावर 2 में है, तो इसको स्क्वायरिंग करके बनाते हैं क्योंकि पावर दो वाले में वो कन्वर्ट कर जाता है। तो बाबू यहाँ गिवन पहले लिख लेंगे, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन दिस का स्क्वायर tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़े तो tan थीटा का स्क्वायर देन 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा बराबर 2 गुना 4। यहाँ tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर था तो इसको 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस तो प्लस, tan थीटा से tan थीटा कट गया, 2 था तो 2 बचा, 4 था तो 4 बचा। अब हमने यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये 2 प्लस में इधर था, दाहिने जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। तो हमें देखो बाबू इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से बनाया जाता है, या इसको चाहे हम लोग तो इक्वेशन में भी बना सकते हैं, तो उस समय भी हमें वैल्यू इतनी ही आती है। देखो उसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा बराबर 2, देन यहां पे हम क्या कर सकते हैं बटा पर का जोड़, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बाबू। देखो यहां पे यहाँ बटा पर का जोड़ करना है tan थीटा 1 से, tan थीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा हो जाएगा। अब इसको इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन बाबू इसको देखो, अब हम लोग चाहते तो कर सकते थे tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0,
अब देखो बाबू, ये ए स्क्वायर माइनस टू ए भी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिया हमने, तो चलो बाबू इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब हम लोग इसको चाहे तो टेन थीटा माइनस वन बराबर जीरो कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो कहानी खत्म, या टेन थीटा बराबर वन आ गया। अब देखो बाबू, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसमें अगर हम लोग टेन थीटा की जगह पे वन वैल्यू पुट कर देते तो रिजल्ट हमें आ जाता। जैसे देखो आप क्या लिखते, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन का स्क्वायर जो वन अपॉन वन का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता, वन का स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन वन या वन प्लस वन इज इक्वल टू टू एंसर। तो ये दूसरा मेथड हो गया, ये हमारा पहला मेथड था। देखो बाबू चौथा एग्जाम्पल है, इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री बाई वन प्लस रूट थ्री एंड थीटा इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बाबू देखो गिवन में हमें क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री बाई वन प्लस रूट थ्री। तो जो गिवन में हमें दिया गया था यहाँ पे उसको हमने यहाँ राइट डाउन किया। अब जब राइट डाउन किया हमने तो आपको मैंने पहले ही बताया है इसको बनाने के लिए हम चाहे तो एक नया फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस पूरे पोर्शन को हमने कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो बाबू देखो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस तो माइनस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा फिर नीचे है कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस तो प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो दाहिने में था पूरा का पूरा हमने उतार दिया। अब देखो बाबू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कट गया तो कितना बचेगा वन लिख दिया, माइनस तो माइनस, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन पहली वीडियो में हमने प्रूफ करा था, सिमिलरली कॉस से कॉस खत्म वन प्लस तो प्लस साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन देन बाकी उतार दिया। अब इसको हमने बाई कॉम्पेयरिंग किया है, कॉम्पेयरिंग कैसे करेंगे तो बाबू देखो यहाँ वन है यहाँ वन है यहाँ वन है यहाँ वन है यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है माइनस है। अब देखो टेन थीटा ई रूट थ्री टेन थीटा ई रूट थ्री हो जाएगा, तो वही हमने किया बाई कॉम्पेयरिंग टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब बाबू कहता है कि थीटा एन एक्यूट एंगल है, तो थीटा के किस वैल्यू के लिए रूट थ्री वैल्यू आएगी, तो हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा को पहले टेन थीटा लिख दिया। अब टेन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री होता है कि नहीं होता है, आप सभी को पता है पहले ही हमने बताया है, तो रूट थ्री की जगह पे टेन थीटा लिख दिया हमने, टेन से टेन खत्म तो थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री। तो ये चौथा एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया है। इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेयर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू 90, मतलब ए जोर बी जो होगा वो 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा और ए जोर बी जीरो से बड़ा होगा और ए हमेशा बी से बड़ा या बराबर हो सकता है। चलो देखते हैं, तो गिवन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन लिख दिया, साइन ए प्लस बी यहां इक्वल टू यहां वन क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है, वन क्या होती है साइन 90 की वैल्यू होती है बाबू। अब देखो साइन साइन खत्म हो गया तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां एंड के बाद दिया है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, तो यहां हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, यहां कॉस ए माइनस बी और वन कितना का वैल्यू होता है बाबू कॉस में जीरो डिग्री का, तो वन की जगह पे कॉस जीरो डिग्री लिख सकते हैं, कॉस से कॉस खत्म ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो लिख दिया हमने। अब एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और दो को ऐड करें तो देखो बाबू ए प्लस बी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 90 प्लस जीरो, यहां देखो बी प्लस में बी माइनस में खत्म 2a इज इक्वल टू 90 देन a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। अब बाबू b की वैल्यू निकालनी है तो लिख सकते हैं पुटिंग a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है बाबू a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो यहां लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a की जगह पे 45 प्लस b इज इक्वल टू 90 देन b इज इक्वल टू 90 माइनस 45 देन b इज इक्वल टू 45, ये हो गया हमारा एंसर। यहां देखो बाबू b 45 है a 45 है, ये एंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि a b के बराबर हो सकता है या बड़ा होगा, दोनों 45 है तो बराबर है। दूसरी बात a प्लस बी 90 डिग्री आया था बाबू देखो हमको,
तो जीरो से बड़ा है 90, यहां पे कहता है 90 से छोटा होगा या बराबर होगा, तो ए प्लस बी 90 के बराबर है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। टेबल नंबर 6 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब आपको क्वेश्चन है पहला, साइन 41 बाई कॉस 49 डिग्री। बाबू देखो साइन की जगह पे साइन लिख सकते हैं, और 41 जो है 90 में से 49 माइनस करने पे 41 आता है, तो इस 41 को हम लोग 90 माइनस 49 भी लिख सकते हैं। अब देखो बाबू कॉस 49 नीचे था तो कॉस 49 दे दिया हमने। अब देखो एक फॉर्मूला है हमें पता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 49 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 49 डिग्री। नीचे में कॉस 49 था, हमने कॉस 49 लिख दिया, दोनों कट जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 1। अगर हम चाहते तो कॉस 49 को भी चेंज करके आंसर ला सकते थे। तो देखो बाबू इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देता है जिसमें हम नीचे वाला चेंज करके देख सकते हैं। तो जैसे दूसरा एग्जांपल था कॉस 80 बाई साइन 10 प्लस कॉस 59 इंटू कॉस 31। तो चलो बाबू इसमें नीचे वाला चेंज करेंगे, ऊपर कॉस 80 था तो कॉस 80 रहने दिया, नीचे साइन 10 था तो उसको साइन 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, 10 को 90 माइनस 80। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, हमने पहले वाले को चेंज करना सोचा, तो कॉस 59 था उसको लिख दिया कॉस 90 माइनस 31, क्योंकि हमें पता है 59 इज इक्वल टू 90 माइनस 31। कॉसेक 31 था तो कॉसेक 31 लिख दिया हमने। सेम प्रोसेस, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है बाबू, इस पूरे की जगह पे साइन 31 कॉसेक 31 लिख दिया, यहां कॉस 80 था कॉस 80 लिख दिया, नीचे साइन 90 माइनस थीटा, सेम फॉर्मूला यहां से हम देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 80 डिग्री को कॉस 80 डिग्री लिख सकते हैं बाबू। अब ध्यान देना है कॉस 80 खत्म, 1 बचा, 1 राइट डाउन कर दिया, प्लस है तो प्लस राइट डाउन कर दिया। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको प्रूफ कर दिया था। हमारे मुन्ना जी ने पूछा था कि ये फॉर्मूलाज का यूज कहाँ होता है सर, रेसिप्रोकल वाला या मल्टीप्लाई वाला, तो मुन्ना जी आप ध्यान देंगे यहाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन है कॉसेक 25 माइनस सेक 65। बाबू यहाँ पे हम लोग चाहें तो कॉसेक को भी चेंज कर सकते हैं, सेक को भी चेंज कर सकते हैं, हमने यहाँ कॉसेक 25 को लिख दिया, माइनस को लिख दिया, सेक को सेक लिख दिया, और 65 को हम लोग 90 माइनस 25 कह सकते हैं। सिमिलरली कॉसेक 25 को कॉसेक 25, माइनस को माइनस, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया था बाबू। अब सेम थिंग में से सेम थिंग को घटाएंगे तो हमारा वैल्यू 0 आ जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमें आता है, प्रूव दैट टेन 1 इंटू टेन 2 इंटू टेन 3 डॉट 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 टेन 89 डिग्री इक्वल टू 1। दूसरा एग्जांपल है इसी में, कॉस 1 इंटू कॉस 2 इंटू कॉस 3 इंटू डॉट 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 कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। बाबू ऐसे क्वेश्चन को जब प्रूफ करना होता है तो जितना 0 वाला दिया होता है वो बड़ा आसान होता है, जितना 1 वाला देता है वो भी आसान है, बस उसमें एक गेम है छोटा सा। पहले चलो पहला प्रूफ करते हैं, तो LHS इज इक्वल टू लिखते हैं टेन 1 डिग्री टेन 2 डिग्री टेन 3 डिग्री डॉट 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 टेन 89 डिग्री तक। अब टेन 1 को यहाँ लिखा हमने, टेन 89 को इसके बगल में कर दिया, टेन 2 लिखा बाबू, तो निश्चित तौर पर ये टेन 3 टेन 4 टेन 5 करते करते टेन 89 तक गया है, यानी कि टेन 88 इसमें छुपा हुआ है अंदर, तो 102 इंटू 1088 लिखा हमने। सिमिलरली 103 1087 लिखा, ऐसा होते जाएगा, लेकिन 1049 का पेयर नहीं होगा बाबू, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 1 तो 89, दोनों जोड़ने पे 90 आता है, 2 88 जोड़ने पे 90 आता है, उसी तरह 3 87 जोड़ने पे 90 आता है, लेकिन 1045 दो बारी तो नहीं हो सकता है बाबू इसमें, क्योंकि 45 90 होता है, आप लिखेंगे तो 1045 एक बारी ही आएगा। टेन 1 को टेन 1 हमने लिख दिया, टेन 89 को हम लोग टेन 90 माइनस 1 कर सकते हैं। सिमिलरली टेन 2 को टेन 2 कर दिया,
tan 88 को tan 90 माइनस टू कर सकते हैं, tan 3 को tan 3 कर दिया, tan 87 को tan 90 माइनस 3 कर सकते हैं, डॉट 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 tan 45 है तो tan 45 कर दिया हमने। तो अब tan 1 को tan 1, लेकिन यहाँ tan 90 माइनस 1 डिग्री है, इसको cot 1 कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है बाबू, cot थीटा, ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो बाबू यहां से हम लोग tan 90 माइनस 1 को cot 1 कह सकते हैं, tan 2 है, tan 90 माइनस 2 को cot 2 कह सकते हैं, tan 3 cot 3 कह सकते हैं, डॉट 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 tan 45 डिग्री। बाबू अब देखो हमें पता है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सिमिलरली tan इंटू इंटू cot 1, tan 1 इंटू cot 1 इज इक्वल टू 1, सिमिलरली tan 2 इंटू cot 2 इज इक्वल टू 1, tan 3 इंटू cot 3 इज इक्वल टू 1, डॉट 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 इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे हम, tan 45 तक ही जाएंगे। तो tan 45 की वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है, सो हमें पता है। तो 1 को कितनी बार भी गुना कर लो वो 1 के बराबर होता है, यही तो हमारा आरएसएस था। देखो आ गया प्रूफ बाबू। अब दूसरा था एलएचएस, इसका लेंगे cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 180, पूरा का पूरा हमने ले लिया। अब देखो cos 1 को रहने दिया, cos 2 को रहने दिया, cos 3 को रहने दिया। बाबू देखो ये कहीं ना कहीं cos 90 होने के बाद ही cos 91 cos 92 होते हुए cos 180 तक गया होगा, तो हमने 180 तक लिखी है बाबू। अब cos 1 को लिखा, cos 2 को लिखा, cos 3 को लिखा, डॉट डॉट डॉट, cos 90 की वैल्यू 0 होती है बाबू, हमने वैल्यू याद करी थी। अब cos 180 है तो cos 180 लिख दिया। अब देखो बाबू 0 से किन्हीं संख्याओं में गुणा करेंगे सभी की वैल्यू 0 हो जाती है, इसीलिए 0 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू आरएचएस। तो प्रूव्ड हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। देखो बाबू, बाबू अगला एग्जांपल हमारा है tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बाबू यहाँ पे गिवन में हम लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू cot b, यहाँ जो गिवन में था हमने राइट डाउन कर दिया। अब देखो tan a की जगह पे tan a, cot b की जगह पे हम लोग tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, ऑलरेडी ये प्रूव्ड है बाबू। तो हम लोग tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ पे cot b को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। तो यहां से हमने पुट करा cot b इज इक्वल टू tan 90 माइनस b, यहाँ tan से tan खत्म, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस b हो गया, माइनस b को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है sec 5 a इज इक्वल टू cosec a प्लस 30 डिग्री 36 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बाबू यहाँ sec 5 a इज इक्वल टू cosec a प्लस 36 दिया गया है, तो यहाँ देखो बाबू sec थीटा हमें पता है, फिर sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा, जरा ध्यान देना बाबू ऐसा हमें पता है पहले से ही। तो sec थीटा को हम लोग cosec 90 माइनस थीटा की तरह यहाँ 5 a आ रहा है, तो 5 a डाल दिया हमने बाबू, cosec के जगह पे cosec, a प्लस 36 के जगह पे a प्लस 36, cosec से cosec कट गया तो 90 माइनस 5 a इज इक्वल टू a प्लस 36 आ गया हमारा। आप देखो बाबू माइनस 5 a को इधर रहने देंगे, a को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो यहाँ प्लस a है तो माइनस a हो जाएगा, 36 को राइट हैंड साइड में रहने दिया हमने, अब 90 को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा बाबू। अब देखो माइनस 5 a माइनस a, यहाँ 1 छुपा हुआ है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस 6 a, घटा देंगे माइनस 54, माइनस माइनस खत्म, तो a इज इक्वल टू 54 अपॉन ये 6 इधर गया तो बटा में आ गया, अब 6 9 जा 54 होता है बाबू तो इक्वल टू 9 डिग्री आ गया, यानी कि a इज इक्वल टू। हमारा अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10, कहता है इफ ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट tan b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cot a अपॉन 2। बाबू देखो गिवन कहता है ए बी सी किसी ट्रायंगल का एंगल्स है, तो बाबू तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऑलरेडी हम लोग ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से जानते हैं, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180।
यहाँ देखो बाबू ए को सिर्फ हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ए को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए हो जाएगा। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना है तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। अब यहां ध्यान दो b प्लस सी बाई 2 जो था उसको हमने वैसे ही एज इट इज लिख दिया। अब 180 बाई 2 को हम लोग 90 लिख सकते हैं और a बाई 2 यहां पे कह सकते हैं क्योंकि बटा में 2 है, यानी कि हमें पता है a माइनस b बाई 2 होता है, इसका मतलब है a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2। एलसीएम लेके देखना इतना ही आ जाएगा, रिवर्स एलसीएम लेके देखना इतना आ जाएगा। तो बाबू b प्लस c बाई 2 90 a माइनस 2 था। अब 10 से दोनों तरफ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब 10 b प्लस c बाई 2 हो जाएगा, यहां 10 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। बाबू यहां ध्यान देना, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, तो यहां अगर tan 90 माइनस a अपॉन 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot a अपॉन 2। तो यहां हमने वही किया है, tan 90 माइनस a अपॉन 2 था तो इसको cot a अपॉन 2 कर दिया। तो अब देखो बाबू जो रिजल्ट हमें प्रूफ करने के लिए लाना था वो आ गया कि नहीं आ गया यहां पे। तो बाबू ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाबू अगला एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 11 है जिसमें कहता है साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है, देन इवैल्यूएट साइन ए इनटू कॉस सी प्लस कॉस ए इनटू साइन सी। मतलब हमें साइन ए इनटू कॉस सी प्लस कॉस ए इनटू साइन सी की वैल्यू निकालनी है बाबू। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हमें ए और सी के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है ए और सी कैसा एंगल होगा बाबू, कैसा होगा, एक्यूट होगा। तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको 90 डिग्री कंसीडर कर दिया और इसी ट्रायंगल में एक तरफ ए और एक तरफ सी लिख दिया हमने। अब देखो बाबू गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/5, बाबू साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच लिख दिया। बाबू अब देखना है एंगल ए के लिए एच क्या होगा, एंगल ए के लिए एच हो जाएगा मेरा एसी, कितना हो जाएगा बाबू, एसी हमारा एच हो जाएगा। अब ध्यान दो बाबू एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा बाबू, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, क्योंकि एंगल ए के लिए बेस ए बी होता है बाबू, तो परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। तो हम लोग पी अपॉन एच को बीसी अपॉन एसी लिख सकते हैं। अब बाबू मैंने जैसा पिछली बार आपको क्वेश्चन बताया था ये 3/5 कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, हो सकता है ये 6/10 होता, उसको कट करके इतना किया गया है, यानी कि निश्चित तौर पे एक राशि x है जो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो BC इज इक्वल टू इन कंपैरिजन ऑफ दैट एंड AC इज इन कंपैरिजन ऑफ दैट, देन BC इज इक्वल टू 3x एंड AC इज इक्वल टू 5x। बाबू देखो अब AC को हम लोग यहाँ पे 5x कह सकते हैं और BC को हम लोग क्या कह सकते हैं 3x। अब देखो बाबू पाइथागोरस के थ्योरम से अगर AB निकालना है बाबू हमें तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, क्योंकि कभी भी इस सबसे बड़े वाले साइड के स्क्वायर में से दूसरे किसी भी साइड के स्क्वायर को घटाते हैं और रूट करते हैं तो तीसरा साइड आता है बाबू। तो AB इज इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC की वैल्यू मैंने 5x पुट कर दी, BC की वैल्यू मैंने 3x पुट कर दी, और 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, घटा दिया हमने तो रूट अंडर 16x स्क्वायर, x स्क्वायर का रूट x, 16 का रूट 4, हमको AB इज इक्वल टू 4x आ गया। अब साइन ए की वैल्यू बाबू, साइन ए के बारे में जरा ध्यान देना बाबू, ए के रिस्पेक्ट में साइन ए की वैल्यू पूछ रही है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन का पी अपॉन एच, क्या होता है बाबू पी अपॉन एच, तो ए के लिए पी मेरा हो जाएगा बीसी अपॉन एच तो हमेशा एसी होगा, कॉस सी, कॉस सी मतलब इस एंगल के लिए बाबू कॉस सी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, तो सी एंगल के लिए बी हो जाएगा मेरा बीसी, सी एंगल के लिए बेस हो जाएगा बीसी, तो बीसी अपॉन एसी क्योंकि नीचे में एच होता है। सिमिलरली कॉस ए, ए के लिए बेस होता है ए बी और एच होता है एसी। सिमिलरली साइन सी,
साइन सी के लिए साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच बाबू, तो सी एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी यहाँ डाल देंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बी सी हमारी कितनी आई थी बाबू 4x, 4x अपॉन 5x इंटू 4x अपॉन 5x प्लस 3x अपॉन 5x प्लस 3x अपॉन 5x। देखो बाबू यहाँ पे x से x खत्म, x से x खत्म, x से x खत्म, x से x खत्म, ये आ जाएगा हमारा 16 अपॉन 25 प्लस 9 अपॉन 25। बाबू जोड़ कर देंगे 25, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 आंसर। तो बाबू इस तरीके से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बनाना चाहा है। इसके बाद आप लोग का जो भी क्वेरी है उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। ऐसे आप लोग इतना पे बनाएंगे लगभग लगभग क्वेश्चंस बन जाएगा, और इस तरीके से ट्रिगोनमेट्री का जो पहला चैप्टर था ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो हमने कंप्लीट कर लिया। तो